समस्त जग का कल्याण करने वाली तुलसी है। इसलिए तुलसी का पूजन, तुलसी का अर्चन, तुलसी का वंदन। और एक बात, कितना भी आप व्यंजन बना लीजिए, 56 प्रकार के व्यंजन बना लीजिए, खूब सुंदर सुंदर भोग बना लीजिए आप, लेकिन भगवान के सामने पधरा देंगे तो भी भगवान उसको कभी ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं जाता है, जब तक उसमें तुलसी का दल नहीं पड़ता है, तब तक उस भोग को भगवान ग्रहण नहीं करते। और कितनी सुंदर बात है, हमारी दृष्टि भी उसमें प्रसाद की नहीं होती है। जब तक उसमें हम तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं, तब तक उसमें हमारी प्रसाद की दृष्टि नहीं होती है। और जैसे ही उसमें तुलसी का पत्ता पड़ जाता है तो हमारी दृष्टि सहज हो जाती है। इसको भगवान ने ग्रहण कर लिया है, इसको भगवान ने पा लिया है, इसे भोगता इसके भक्त तुलसी के। तो इतना बड़ा जीव है, इतना बड़ा शरीर ले रखा है, इस शरीर को भगवान तभी ग्रहण करते हैं। इसमें कंठी नहीं होती तब तक भगवान इसको अपनाते नहीं। इसलिए वैष्णव, प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि उसके गले में कंठी, उसके गले में तुलसी जरूर होनी चाहिए। चाहे एक ही दाना क्यों ना हो, उसके गले में कंठी अवश्य होनी चाहिए। और हमारे वैष्णवी दीक्षा में जो संस्कार है, जो पंच संस्कार कहे गए हैं, उसमें एक कंठी का संस्कार है, तुलसी का संस्कार होता है। भैया, वैष्णव तो वही है जिसके गले में कंठी है, जिसके गले में तुलसी है। एक भी दाना अगर तुलसी का हमारे गले में है, अवश्य ही भगवान ने हमको ग्रहण कर लिया है। इसलिए हमारे वैष्णवों में पूज्य महाराजश्री कहते हैं कि तुलसी का कहीं परित्याग नहीं है, किसी भी अवस्था में तुलसी के कंठी का कहीं त्याग नहीं करना चाहिए। वैष्णव हमारी, वैष्णवी हमारी परंपरा है, तुलसी का त्याग। जिस प्रकार यज्ञोपवीत का त्याग ब्राह्मण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार वैष्णव का कर्तव्य है वह तुलसी का कभी त्याग ना करे। महाराजश्री तो यहां तक कहते हैं कि अगर किसी कारणवशात आपकी कंठी टूट गई है, तो महाराजश्री कहते हैं जब तक दूसरी कंठी ना पहन ले तब तक उसको जल भी ग्रहण करने का अधिकार नहीं। और एक बात, बिना संस्कार के तुलसी ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना संस्कार के तुलसी ग्रहण नहीं। तुलसी नहीं, ऐसे कंठी नहीं पहन लेना चाहिए, मार्केट से लिया और पहन लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम तुलसी की माला लाए, या तुलसी की कंठी लाए, या तुलसी का दाना लाए। दाना है तो उसको किसी धागे में पिरो करके गंगा जल से धुल करके और उसमें सुंदर हल्दी, चंदन, इत्र आदि लगा करके भगवान को समर्पित करें, उसको भगवान को समर्पित करें। और भगवान को समर्पित करने के बाद फिर गुरुदेव भगवान के द्वारा उसको अपने गले में, जब गुरुदेव भगवान हमको दें तब उसको गले में धारण करना चाहिए। ऐसे तुलसी धारण करने वाला जीव वैष्णव कहलाता है।